मानोगे नहीं, हम लोग अभी वही बात कर रहे थे कि हम सब अपनी अपनी जिंदगी में रोज के रोज वही के वही काम करते करते कैसे बोर हो गए। ले बोलो। ये पोपू ने और सबसे पहले अपने नीरज जिंदगी का दुखड़ा रोया, तो हम भी उसमें रिलेट कर गए और अपना दुखड़ा रोना शुरू हो गए। पोपटलाल का तो मूड ऑफ था ही, हमारा भी हो गया, लेकिन अब तुम्हारी बात सुन के सबका मूड अच्छा हो गया, मन प्रफुल्लित हो गया है ना। और चाचा जी का आइडिया तो बड़ा असरदार साबित हुआ जेड़ा ब्रा। दोस्तों मैं क्या बोलता हूँ, चाचा जी की इसी आइडिया का इस्तेमाल करके क्यों ना हम अपनी अपनी जिंदगी की नीरसता दूर करें और कुछ नया पन लाए। अरे विचार बहुत बढ़िया है, लेकिन करें क्या? मित्र साहब, यहाँ आने से पहले मैं अपने दोस्त मनसुख भाई के साथ खाऊ गली में गया, वहाँ हम दोनों ने जो जयाफत उड़ाई है, पाव भाजी, रगड़ा पेटिस, पानी पूरी, भेड़ पूरी, सब कुछ खाया। तो क्यों ना हम भी ऐसा कुछ करें। ऐसा कुछ करते हैं। अरे यार जेठाल, तुम कमाल करते हो यार, ऐसा कुछ प्लान बनता है तो तुम दूसरे दोस्तों को ले जाते हो, तब तुम्हारा फायर ब्रिगेड परम मित्र याद नहीं आता तुम्हें। अरे मेहता साहब, मैं वहाँ सब कटकेदार आइटम खाने गया था, अभी ऐसे सब आइटम खाने के लिए आपको तो वीजा लेना पड़ता है ना। फिर भी मैं क्या कहता हूँ, हम सब मिलकर ऐसा कुछ करते हैं ना, जैसे जेठा भाई ने किया वैसा ही हमें भी कोई खास स्वादिष्ट डिश की पार्टी का आयोजन करना चाहिए। एक साथ मिलजुल के पार्टी करेंगे तो मजा ही अलग है उसका। अरे भाई, सब इकट्ठे होकर पार्टी करेंगे तो मुझे भी वीजा मिल जाएगा। पर हमें हमारी स्टीरियोटाइप लाइफ में थोड़ा चेंज भी मिलेगा। सही बात है, लेकिन ये पार्टी करना कब है? कल करते, कल संडे, कल सबको छुट्टी भी है। ठीक है, सब तो होंगे, लेकिन कल टपू सेनानी होगी, उनका कॉलेज में कोई फंक्शन है। तो ठीक है ना, भीड़ अभी बच्चे बड़े हो गए तो उनको उनके तरीके से मजा करने दो, हम अपने तरीके से मजा करते हैं। तो भाई बताओ दोस्तों, पार्टी कौन सी स्वादिष्ट डिश की करनी है? अरे ऐसी स्वादिष्ट डिश हो जो बिल्कुल अनूठी हो और अलग हटके हो। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसी कौन सी डिश होगी भाई? अरे हाथी भाई बताएंगे ना। हाथी भाई बोलिए। हाँ बताइए बताइए। मेरे लिए तो हर डिश स्वादिष्ट ही होती है। जेठालाल तुम्हें कुछ सजेस्ट करो भाई। ठीक है तो हम लोग, अरे वाह क्या जबरदस्त आइटम सूची है, वाह वाह वाह, जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा बताइए क्या 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 क्या, क्या? जनरल जलेबी फाफड़ा मत बोलना। अरे नहीं नहीं, नहीं जलेबी फाफड़ा नहीं है यार भाई, एक अलग स्पेशल आइटम है, इसको ये ठंडी के सीजन में ही खाया जाता है। ये दोस्तों आप लोग खाओगे ना, हाँ खुश हो जाओगे। इसको बोलते हैं उम्बाड़ियो। उम्बाड़ियो? बाड़ियो? अरे बाड़ियो नहीं भाई, उम्बाड़ियो। उम्बाड़ियो? अरे हो नहीं, उम्बाड़ियो। उम्बाड़ियो? अच्छा, उम्बाड़ियो। और जड़ा ब्रा, ये उम्बाड़ियो होता की है? छोटी ये क्या होता है वो अपना, ओ इसको समझाना थोड़ा मुश्किल होगा, ये आप खाओगे ना मजा मजा आ जाएगा। अरे तो फिर जयराल मंगा मंगा वो, वो तुम बोला वो मैं भी खाएगा। बोला हुआ उम्बाड़िया, उम्बाड़िया, उम्बाड़ियो, उम्बाड़ियो। अरे मंगा मतलब वो क्या होटल में नहीं मिलता है यार भाई, उसको बनाना पड़ता है और उसको बनाने की रीत भी बहुत जबरदस्त है। कैसे बनाते जेठा भाई? तो क्या होता है आदि भाई, एक वो मिट्टी का मटका होता है ना, हाँ, वो उलग लेते हैं और मटके के अंदर सारी हरी सब्जियां भर देते हैं, उसमें फिर मसाला वसाला सब डाल के, और फिर वो मटके का जो मुंह होता है ना, वो अपना रोटी का जो आटा होता है ना, अपन जो गूंथते हैं जिससे मतलब रोटी बनने से पहले वो है, तो उससे वो उसका जो मुंह है वो ढक देते, फिर वो मिट्टी खोद के ऐसे खड्डा करते और वो मटका वो खड्डे में रखते, और उसके आजू बाजू फिर वो घास और वो छाना और वो सब रखते है, उसमें आग लगाते है, और फिर जो मटके का अंदर जो जो पकता है ना वो उम्बाड़ियो होता है। वाह, स्वाद आ गया खाने में, कितना स्वाद आ गया यार। छोटी तुम
खाएगा ना पागल हो जाएगा तो। वाह वाह वाह, ये सुनते ही मुंह में पानी आ गया। ए, करते है, करते उमाड़ियों की पार्टी करते हैं। बस बस बस, फिर दोस्तों तय रहा, कल मैं उमाड़ियों पार्टी का आयोजन करता हूँ। दिल खुश कर देता। जेठालाल पर ये उमाड़ियों डिश बनाएगा कौन? जेठालाल, जेठालाल तुम बनाएगा ना? मैं बना सकता हूँ लेकिन मैं नहीं बनाने वाला हूँ। तो फिर कौन बनाएगा? आप, वही मैं बताने जा रहा था भाई, अब सुनो तो सही है यार भाई। नटू काकर बाघा जो है वो लोग बनाएंगे। अरे शांति रखो, सुनो, आगे बोल रहा हूँ मैं, बोलने का दो यार भाई। नटू काकर बाघा ऐसे आदमी को जानते जो ये उमड़ियों बनाने के स्पेशलिस्ट है लाला भाई। तो नटू काकर बाघा उनको लेके यहाँ गोकुलधाम सोसाइटी में कल आएंगे और हमारे सामने गार्डन में उमड़ियों बनाएंगे। अरे भाई गार्डन में बना सकेंगे ना? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, परमिशन है बिल्कुल। अरे वाह वाह। नहीं वो क्या, खड्डा बड्डा खोदना पड़ेगा ना इसके लिए। हाँ तो बाद में वो ढक भी तो देंगे ना? ढक भी देंगे, बूर देंगे, बूर देंगे। हाँ वही बात। हाँ वो तो भर देंगे ना भाई। ओ यारो, कल हम उमाड़ियों पार्टी करेंगे कब? ब्रांच में उमाड़ियों पार्टी करेंगे। अरे उमाड़ियों नहीं यार भाई, उमाड़ियों। हाँ वो जो भी है। हाँ लेकिन यह बंच क्या है? जयराल हमेशा तुम मेरे को बोलता है कि हिंदी सीख लो, तुम भी इंग्लिश सीख लो। जयराल मैं बताता हूँ, ब्रंच, ब्रंच जो ब्रेकफास्ट और लंच, ये शब्द ब्रेकफास्ट और लंच दोनों के संगम से बना है। अच्छा भाई, विदेशों में जब वीकेंड्स पे सैटरडे संडे छुट्टी होती है तो सैटरडे की लेट नाइट तक लोग पार्टी करते हैं, संडे को देर से उठते हैं। अब देर से उठते हैं तो वो ब्रेकफास्ट के लिए वक्त निकल चुका होता है और लंच के लिए जल्दी होता है, तो उस वक्त जो भोजन जो आहार किया जाता है वो ना तो ब्रेकफास्ट होता है ना लंच होता है, वो ब्रंच होता है। तो हम लोग भी कल ब्रंच करेंगे 11 बजे, ठीक है? हाँ तो ठीक है ना, कल ब्रंच में उमाड़ियों पार्टी फिक्स। पर दोस्तों मैं खुश तो बहुत हो रहा हूँ लेकिन ये मसालेदार उमाड़ियों अंजलि मुझे खाने नहीं देगी भाई। हाँ तो ठीक है ना, आपके हिस्से का उमाड़ियों मैं खा लूंगा। अरे मेहता साहब, मैं तो मजाक कर रहा था। मेहता साहब, अंजलि भाभी की चिंता मत कीजिए, उमाड़ियों खाने से मना नहीं करेगी क्योंकि उमाड़ियों हेल्दी होता है। हाँ इसमें कोई तेल वेल कुछ पड़ता नहीं है, तो बहुत एकदम क्या बोलते हैं पौष्टिक आहार है। ठीक है ठीक है, तो फिर कल उमाड़ियों का प्रोग्राम फाइनल। और ये हुई ना बात, और चकदे फटे, कल उमाड़ियों खाएंगे और संडे मनाएंगे। जेठालाल तुम घर जाते याद से नटू काकर बाघा को फोन कर देना। अरे घर जाके क्यों भाई, अभी सबके सामने फोन कर देता हूँ ना भाई। और नटू काका मजा आ गया, बापूजी की वजह से आज हमें एकदम जलसा जलसा हो गया। यस बाघा बॉय, अवर बिग बॉस इज वेरी ग्रेट एंड फिल्म वाज वेरी बेस्ट। यस नटू काका, वैसे हमारे सेठ जी भी हमारा बहुत ख्याल रखते हैं। ये नटू काका, सेठ जी का नाम लिया और सेठ जी का ही फोन आ गया। हाँ बोलिए सेठ जी, आप 100 साल जिएंगे, अभी हम लोग आपको ही याद कर रहे थे। ले क्यों? वो क्या है सेठ जी, आजकल इतनी मंदी चल रही है फिर भी आज आपने हमें भजिया पार्टी दी, पिक्चर की टिकट स्पॉन्सर की, इसलिए मैं और नटू काका आपकी तारीफ कर रहे थे। हाँ तो कल एक और पार्टी के लिए तैयार हो जाओ। कहाँ भेज रहे हैं? नहीं नहीं कल मैं कहीं भेज नहीं रहा हूँ, आप लोगों को बुला रहा हूँ यहाँ गोकुलधाम सोसाइटी में। क्योंकि मैंने यहाँ कल सबको उमाड़ियों पार्टी देने का सोचा है। हाँ तो वो आपके वो पहचान में ना लाला भाई जो उमाड़ियों बनाने के स्पेशलिस्ट है, तो वो इधर आएंगे ना अपने गोकुलधाम सोसाइटी में। हाँ हाँ अगर आप कहो तो हम अब भी लाला भाई को लेकर गोकुलधाम सोसाइटी पहुँच जाए। अभी नहीं कल सुबह 10 बजे उनको लेके आना। हाँ और इधर हमारे सामने उमाड़ियों बनाना है, तो वो सब सामग्री वामग्री लेके आएंगे ना अपने साथ। अरे वो सारी सामग्री अपने साथ लेकर ही घूमते हैं। बस बस बस, तो कल सुबह 10 बजे आ जाओ। हाँ लेकिन सेठ जी, कल सवेरे 10 बजे आप उठ जाएंगे ना? क्या मतलब? कल संडे है ना इसलिए। हाँ तो संडे है तो क्या, संडे को मैं क्या पूरा दिन सोते ही रहता हूँ क्या? नो सेठ जी, जस्ट कंफर्मिंग। हाँ कंफर्म भाई, कल आप आ जाओ 10 बजे लाला भाई को लेकर, ठीक है? ठीक है तो सेठ जी, कल सवेरे 10 बजे लाला भाई
मटका और उंबाड़ी का सारा सामान लेकर हम लोग हाजिर हो जाएंगे। ओके, मिलते हैं कल सुबह फिर। जी सी जी, गुड नाइट। गुड नाइट भाई, गुड नाइट। बस हो गया सप्ते है। वाह वाह जेड़ा बना यार, दिल खुश कर देता। मजा आएगा। अल्लाह अल्लाह। हाय अंजलि। तारक, मैं कब से आपका इंतजार कर रही हूँ। सोडा शॉप पे आज ज्यादा ही टाइम लगा दिया। दोस्तों के साथ बातचीत में वक्त का पता ही नहीं चला अंजलि। सुबह ऑफिस, शाम को दोस्त, पत्नी के लिए तो पति के पास समय ही नहीं है। ऐसी बात नहीं है अंजलि, बातों में तो मैं अक्सर उलझ जाता हूँ, लेकिन तुम्हारे डर की वजह से खिंचा चला आता हूँ। क्या मैंने? अरे नहीं, मेरे कहने का मतलब तुम्हारे प्यार की वजह से खिंचा चला आता हूँ। नहीं नहीं, डर बोला। डर? क्या बात कर रही हो अंजलि, मैं कैसे बोलूंगा डर? प्यार में डर कहाँ से आ गया? और वैसे डर के पीछे भी है तो प्यार ही ना। अच्छा जी जी जी, श्रीमती जी, प्यारी प्यारी खूबसूरत खूबसूरत श्रीमती जी। अब मस्का लगाना बंद कीजिए और सो जाते हैं, मुझे कल बहुत काम है। अरे सो जाते हैं भाई, सो जाते हैं, क्या दिक्कत है। अरे अंजलि, कल वैसे संडे है तो तुम्हें सलाद वलाद बनाने की जरूरत नहीं है। अरे लेकिन कल मैं सैलेड बना ही नहीं रही हूँ। क्या बना रही थी तुम कल? नीम राइस विद कड़ी। नीम राइस, ये क्या है भाई? जीरा राइस सुना, प्लेन राइस सुना, स्टीम राइस सुना है, नीम राइस क्या? तारक, राइस के साथ नीम के पत्ते, जिसमें कुदरती नीम की कड़वाहट मिक्स होती है। एटीएम स्पेशल न्यू डिश। नहीं नहीं अंजलि, तो तुम रहने देना, तुम्हें कुछ बनाने की जरूरत नहीं है कल। क्यों? कल आप उपवास रखने वाले हैं? भाई भला मैं क्यों उपवास रखूंगा अंजलि, कल गोकुल धाम में, अरे कल अपनी सोसाइटी में उंबाड़ियों पार्टी है। उंबाड़ियों पार्टी? अंजलि तुमने बिल्कुल ठीक सुना है, मुझे पता है, उंबाड़ियों पार्टी। हाँ। अरे भाई कल जेठा लाल ने सब गोकुलधाम सोसाइटी के लोगों के लिए सबके लिए उंबाड़ियों पार्टी रखी है। जेठा भाई कल पार्टी क्यों दे रहे हैं अचानक? ऐसी कोई वजह तो कोई खास नहीं है, लेकिन उसने सोचा कल छुट्टी का दिन है, सब मिलजुल के करेंगे पार्टी, इसलिए दे रहा है पार्टी। अच्छा, तो सोडा शॉप पर बैठ के आप पार्टी की प्लानिंग कर रहे थे? प्लानिंग क्या, ऐसे ही बातचीत था। बस क्या है, कल गोकुलधाम में ये पार्टी हो रही है तो कोई कुछ नहीं बनाएगा, तुम भी कुछ मत बनाना, यही कह रहा था मैं तुम्हें। आप समझिए कि आप मुझे पार्टी के लिए राजी करने के लिए मस्के लगा रहे थे। हाँ, मस्के क्या अंजलि, पार्टी है, दोस्त लोग मिलेंगे, चलो अब सोते हैं, मुझे नींद आ रही है। एक मिनट, अभी तक मैं ये उंबाड़ी पार्टी के लिए राजी नहीं हुई हूँ, और वैसे भी ये उंबाड़ी तो बहुत ज्यादा मसालेदार होता है ना। कौन बोला अंजलि, हम तो कॉन्ट्रेरी कहा जाता है कि उंबाड़ी तो बड़ा हेल्दी होता है, एक तरह का सैलेड ही होता है, बस मटके में पकाते हैं। मान जाओ यार अंजलि, जेठालाल का दिल टूट जाएगा भाई, पार्टी कर रहा है दोस्तों के लिए तो। अरे मैं मजाक कर रही हूँ बाबा, आपके परम मित्र ने पार्टी रखी है तो जाना तो पड़ेगा ही ना। वेरी गुड, मुझे पता था मानेगी अंजलि, मान गई। हो गया। अरे सोए नहीं आप अभी तक? बीवी बाजू में आके बैठी है लेकिन जरा ध्यान नहीं है। माधवी ये क्या मजाक है, फोन दो मुझे। क्या मजाक, कब से यहाँ आके बैठी हूँ, आपसे बातें कर रही हूँ लेकिन आप ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। इतना क्या है मोबाइल में, किसको फोन लगा रहे हो रात को? अरे फोन नहीं कर रहा हूँ माधवी, मैसेज कर रहा हूँ जेठालाल को। क्यों, इतनी रात को क्यों? वो जेठालाल कल सुबह सबको उंबाड़ी की पार्टी दे रहा है। भैया पार्टी किस खुशी में? खुशी है सच कुछ नहीं, कल छुट्टी है ना सबको, तो उसने बोला उंबाड़ी पार्टी करते हैं, मतलब हाँ चला करो यार, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा कल सुबह तुम कुछ बनाना मत। हाँ म्हणजे काय, नाईस बनवणार, मज्जा येणार आहे पार्टी म्हणजे। मज्जा तो येणार आहे लेकिन थोड़ा टेंशन भी है। आज कसली टेंशन, जेठा भाई पार्टी देने वाले, आपको क्यों टेंशन है? अरे टेंशन है सच कुछ खास नहीं है, लेकिन जेठा लाल है ना, वो कुछ भूल गया तो इसलिए मैं उसको जरा मैसेज कर रहा था कि कुछ हो तो बोलो मुझे। अरे काही मैसेज वगैरह करने की जरूरत नहीं है, अगर उनको लगा तो वो फोन करेंगे आपको, और फोन नहीं किया तो बालकनी से आवाज देके पूछ लेंगे क्या है। ठीक, वो भी है। अभी सो जाइए, चलिए। तो फोन तो दो। अभी फोन क्यों चाहिए आपको, सोना ही है ना। हाँ लेकिन कल सुबह उठना है तो अलार्म लगाना है ना। तो मैं हूँ ना, मैं उठाऊंगी आपको। और तुम कैसे उठोगी? अलार्म से। वाह, तो इसलिए लगाना पड़ेगा। मेरे मोबाइल में लगा हुआ है अलार्म। हाँ अभी सो जाइए शांति से। जोपा जोपा। सर
ऊपर टिटला नपया झोपा गुड नाइट गुड नाइट गुड नाइट गुड नाइट क्या हुआ ये क्या सोच रहे हो ये जयदलाल ने कुछ गड़बड़ियों का प्रोग्राम बनाया है किसका गड़बड़ियों वो क्या है वो मतलब मटके में वेजिटेबल डालकर बनाते हैं उसको गड़बड़ियों बोलते हैं ओके पर ये गड़बड़ियों है क्या इवन आई डोंट नो बबीता ओके मैं एक बार सर्च करती हूँ इंटरनेट पे लेट्स सी एनी आइडिया स्पेलिंग क्या है गड़बड़ियों टाइप करो ना आयर गड़बड़ियों नाम की तो कोई डिश ही नहीं है सर्च रिजल्ट्स में तो कुछ भी नहीं आ रहा है इसका मतलब जयदलाल ने सबको बेवकूफ बनाया मैं अभी उसको फोन करके पूछता है बोलिए अय्यर भाई जयदलाल तुमने सबको बेवकूफ बनाया है ये गड़बड़ियों नाम का कोई डिश ही नहीं है अरे गड़बड़ियों नहीं अरे अय्यर भाई कितनी बार आपको नाम बोला आपको याद ही नहीं रहता आप छोड़ो नाम छोड़ो एक काम करो कल खाली आप ऐसे ही खा लेना ठीक है जयदलाल बबीता को जानना था इसलिए फोन किया अच्छा तो बबीता जी को फोन दो हाँ लो लो बबीता हाय जेठा जी हाँ बबीता जी कैसे हैं मैं ठीक हूँ पर मुझे ये बताइए कि ये गड़बड़ियों कौन सी डिश है अरे नहीं गड़बड़ियों नाम नहीं है उसका नाम उम्बाड़ियों है ये हमारा दक्षिण गुजरात की खास स्पेशलिटी है ये सूरत नवसारी और साइड पे इसमें क्या होता है कि एक मटका होता है ना उसमें सब मस्त सब सब्जी उसमें रखता है और जमीन में ऐसा खड्डा खोद के फिर उस... ये बहुत बहुत जबरदस्त आइटम है बबीता जी उम्बाड़ियों आप कल खाएंगे ना मजा आ जाएगा आपको अच्छा ओके ठीक है और बोलिए और क्या चल रहा है कुछ नहीं चल रहा है जयदलाल गुड नाइट ओके हाँ गुड नाइट इसे उम्बाड़ियों कहते हैं हाँ हाँ भाई भाई बबीता अभी ये उम्बड़ी करके पार्टी का प्रोग्राम तो बना है लेकिन कल कुछ गड़बड़ नहीं हो जाए वरना सबका संडे बिगड़ जाएगा अय्यर जेठा जी खाने के शौकीन है सो रिलैक्स चिंता मत करो वो सब कुछ मैनेज कर लेंगे ओके हाँ लेकिन बबीता मेरे को जयदलाल पे बिल्कुल भरोसा नहीं है वो कुछ भी गड़बड़ कर सकता है अय्यर रिलैक्स कल उम्बड़ियों बनेगा पार्टी भी होगी और सबको मजा भी आएगा ओके अय्यर ये उम्बाड़ियों गुजराती डिश है ना हाँ तो तुम तुम्हारे बॉस को भी बुला लो ना उनको गुजराती डिश वैसे भी बहुत पसंद है तो उनको बहुत मजा आएगा नहीं बबीता बॉस को बुलाने का रिस्क नहीं ले सकते हैं क्यों बबीता हमारी सोसाइटी वालों का कोई भरोसा नहीं है उनके सामने हमारा झूठ खुल गया तो अय्यर मुझे कहाँ ये बनाना है तुम बस उन्हें ये बोल दो कि उम्बाड़ियों की पार्टी है आ जाए वो यहाँ पे तो उनको बहुत मजा आएगा यस यस बबीता आई थिंक इट्स गुड आइडिया मैं कल सुबह ही उनको फोन कर देगा गुड आइडिया ये ट्रैक सूट हो गया ये सिपर हो गया अब अलार्म लगा देता हूँ हाँ क्या बात है हंस हाँ ये ट्रैक सूट अब ये अलार्म कल सुबह मॉर्निंग वॉक का प्लान है मॉर्निंग वॉक क्यों पता है मॉर्निंग वॉक करने से पेट में अच्छे से जगह हो जाती है और स्पेशल खाने का मजा और भी स्पेशल हो जाता है स्पेशल खाने का तो मेरा तो कोई स्पेशल ब्रेकफास्ट बनाने का प्लान नहीं है तुम क्या स्पेशल खाने वाले हो उम्बाड़ियों उम्बाड़ियों वो क्या है एक गुजराती डिश है बहुत ही टेस्टी होती है कल तुम्हें पता चल जाएगा अपनी सोसाइटी में कल उम्बाड़ियों पार्टी है अरे वाह फिर तो मजा आ जाएगा मजा तो तब आएगा जब अभी जल्दी सो जाए और सुबह जल्दी उठे हाँ। चलो सो जाते हैं गुड नाइट गुड नाइट मित्रों विविधताओं से भरा है हमारा देश भारत बहुत सारी भाषाएं बहुत सारी बोलियां बहुत सारे प्रांत बहुत सारे व्यंजन उनके अलग अलग जायके और ऐसे ही एक व्यंजन का नाम है उम्बाड़ियों जिसकी पार्टी होने जा रही है गोकुल धाम में मित्रों जैसे एक आशिक को माशूक का इंतजार रहता है चांद को चकोर का इंतजार रहता है ठीक वैसे ही गोकुल धाम निवासियों को पार्टी करने का इंतजार रहता है मौका चाहे कोई हो लेकिन पार्टी होनी चाहिए लेकिन आप तो जानते हैं गोकुल धाम में इस वक्त बड़ी पार्टी की तैयारियां चल रही है लेकिन गोकुल धाम की कुंडली कुछ ऐसी है कि पल में तोला पल में माशा इस वक्त तो तैयारियां चल रही है पार्टी की लेकिन अगले क्षण कुछ ऐसा हो सकता है कि सब कुछ गड़बड़ा जाए होगा या नहीं होगा ये तो क्या बताऊं लेकिन इस वक्त मुझे लग रहा है कुछ ना कुछ तो होगा लेकिन क्या होगा ये मैं आपको इस वक्त कैसे बताऊं ये जानने के लिए आपको देखना होगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखते रहिए हंसते रहिए और सोचते रहिए उम्बाड़ियों का स्वाद कैसा होगा
For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.